आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। फिर जहां से आपका नेगेटिव सोचने लग गए, चीजें नेगेटिव खुलती गई, है ना। राइट, आगे बढ़ते हम लोग। एन फॉर बी न्यूट्रल। एन फॉर बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, लेकिन मैंने जानबूझ के न्यूट्रल लिया, क्योंकि मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की है या एक्सपीरियंस की है। हर चीज़ें, मतलब जो कॉमन चीज़ें वो तो आपको सुनने को मिलती ही है, पर लेकिन जो कॉमन नहीं है या जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं टाइम बाय टाइम, वो चीज़ें मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। न्यूट्रल, यदि आप टीचर हैं तो खासकर आप बड़े बच्चों को डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रल भी रहे। हर बात में आप डांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है। आप जो है वो मतलब बच्चे की सासू माँ ना बने, है ना, या ऐसे पड़ोसी ना बने जो उसकी हर बात बात में उसको परेशान करते हैं, क्या कर रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाता है, ये क्यों नहीं जाता है। मतलब हमारा जो उससे रिलेशन हो वो प्रोफेशनल हो, सपोर्टिव हो, और बेवजह की बातों में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बड़े बच्चे यदि खास करें तो, है ना। कुछ आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ हो जाएगा, और देखिए आपका कंसर्न आप सबको नहीं साथ सकते कि पेरेंट्स का क्या होगा, उसका क्या, आप सिर्फ बच्चे का सोचे, बच्चे का के वेलफेयर के बारे में सोचे, और आपको फिर भी कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है तो आप उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं स्कूल में, या और दूसरा तरीका अपनाएं। पर लेकिन ज़बरदस्ती बच्चे का फूफा बनने की कोशिश ना करें। होता है जो व्यक्ति पढ़ाने करने में ध्यान नहीं लगाता वो उल्टे कामों में ज़्यादा ध्यान लगाता है, कहाँ जा रहे हो छोरो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो कौन पढ़ रहे हो, तुम उसके पेरेंट्स ना हो, जब सी पेरेंट्स बनने की कोशिश ना करो। फिर वो बच्चा ही एक टाइम बोले सर आप मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, आप अपना काम करिए, वो ऐसा बोलेगा ही नहीं बच्चा, बहुत रेयर केस में जाकर के बोलेगा। स्टूडेंट्स कभी भी टीचर को इतनी आसानी से कभी भी जवाब नहीं देते हैं, पर लेकिन उसको मौका ही मत दो बेचारे को, उसको मौका ही मत दो, उसको फील ही मत होने दो कि मैं तेरी सास हूँ, उसको फील ही मत होने दो कि मैं तेरा फूफा हूँ, क्यों मैं हर बात में आकर के नाराजी होऊंगा तेरे से, उसको ये फील होने दो कि आई एम योर प्रोफेशनल टीचर, मैं और हमारा जो कनेक्शन है वो नॉलेज को लेकर के है, बस इतना ही, बस हमें चीज़ें पता है, हमें कुछ सावधानी रखना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बार बार उसको फॉलो कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो गलत है। Am I right or wrong? Thank you. आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ये तो बड़ी एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बात है। ऑप्टिमिस्टिक यानी हिंदी बोले तो आशावादी, और इसका उल्टा निराशावादी। इस चीज़ पर तो इतना लिखा गया है, इतनी बड़ी फिलोसोफी है, इतनी सारी किताबें आती इस बारे में, रिच डेड पुअर डेड, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, एक वो शिव खड़ा किताब आती है ना, नजरिया बदलिए आपकी चीज़ें बदल जाएगी, और भी बहुत सारी किताबें, मतलब इसमें तो स्वीट मार्डन की जो बहुत सारी किताबें आती हैं, मतलब इस टॉपिक पे बहुत लिखा गया है, क्योंकि टॉपिक इतना ज़रूरी ही है। ये बता रहा है कि व्यक्ति को जो है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। दो टाइप के लोग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक आपने एक और एक किताब सुनी होगी, रोंडा ब्राइन की किताब है ना, उसका नाम है, मैं क्या करूँ, रोंडा ब्राइन उसका नाम है, और किताब का नाम क्या है, द सीक्रेट रहस्य। तो वो किताब में भी आप देखने को पढ़ने को मिलेगा कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा फिर जो है ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जैसे उन्होंने एक, मैंने पढ़ी थी थोड़ी बहुत किताब, कि एक रेस्टोरेंट में आप गए और रेस्टोरेंट में आप गए खाना ना खाया, तो रेस्टोरेंट में जाने के पहले आपके मन में क्या होता है, जो है आज जाएंगे हम बढ़िया, और बढ़िया जो है आज खाना ना खाएंगे, आज देखो हमारे पतिदेव साथ में चलेंगे, ये वो, और पत्नी भी हो सकती है हमारी पत्नी साथ में जा रही है, वाह 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 खुश। फिर जैसे ही पहले खूब मचका लिया, फिर बाद में मतलब खूब खास सारा खा लिया, फिर बाद में जो है जैसे ही हो गया उसके बाद में फिर सोचा यार बिल बहुत हो गया होगा, क्या था कितना हुआ होगा, फिर जो है वो
जैसे आपने सोच रहे हैं ऐसे आपके सामने बिल आ जाता है। फिर ये लो दो, फिर जो है बड़ा वो, अरे क्या यार बहुत पैसा खर्चा हो गया, ये लो। और फिर जो है व्यक्ति जो है उस चीज़ को लेकर के नेगेटिव होता जाता है। घर पर जाते जाते वो बोलता नहीं कि मेरे से पैसे खर्च हुए इस वजह का मन में दुख है, और उसको खुद को भी क्लियर नहीं कि इस वजह का दुख है, लेकिन घर पर जाते जाते झगड़ा हो ही जाएगा, हो जाता है ना हल्का पतला, है ना, तुमने जूते बाहर क्यों निकाले, है हो जाएगा ना। तो क्या हुआ कि पहले तो आप मतलब आपका जब से ही प्लान बना तब से आपका सोच रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं। वैसा मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, वो किताब में एग्जाम्पल दिया, आपको सही नहीं लगता तो किताब वाले को माना बोलो, पर लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो है आप उसमें सोच रहे हैं कि भाई हाँ जाएंगे जाएंगे तो अच्छा अच्छा होने लग गया। फिर जहाँ से आपका नेगेटिव सोचने लग गए, चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव होती गई, है ना, वापस लौटते लौटते घर तक पहुँचे जब तक तो झगड़ा हो ही गया। ठीक, तो जैसा आप सोचते हैं ऐसा हो जाता है। स्टूडेंट को लेकर के आप आशावादी रहें, किसी भी स्टूडेंट को कभी भी नेगेटिव बातें या निराशावादी बातें, तेरा कुछ नहीं होगा रे, तू तो ढक्कन है रे, तुझे तो कुछ नहीं आता है, ये ऐसी लैंग्वेज किसी का मोरल डाउन करती है। आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। किसी स्टूडेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चे तू आगे बढ़ सकता है, तू जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपका आपका जमीर गवारा नहीं दे रहा है तो आपको ये बोलने का भी कोई अधिकार नहीं कि तू तो ढक्कन है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये देख ये फलाना फलाना लड़का देख ये बहुत आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ रहा है उसको खुद को ही पता है। आप यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी की का इलाज दे देता है, यूँ नहीं बोलता है कि आप बीमार हैं, अच्छा आप बीमार हैं, फिर बोले कौन सी बीमारी, बोले मलेरिया है मलेरिया है मलेरिया है, यही नहीं करता रहता है वो उसको उसका इलाज बताता है। लेकिन टीचर टीचर या टीचिंग प्रोफेशन की हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, तुझे नहीं आता है तुझे नहीं आता है तुझे नहीं आता है, फिर उसका पेरेंट भी आता है इसको तो नहीं आता है इसको तो नहीं आता है, उसके पेरेंट भी हाँ इसको नहीं आता है हाँ इसको नहीं आता है, यही होता है इसको नहीं आता है। अब वो स्टूडेंट जो है पहले तो बेचारा यार मुझे नहीं आता है मुझे नहीं आता है मुझे नहीं आता है, फिर वो याद जब वो सोचता है कि जब मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है, मेरे टीचर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं आता है, जब सब बोल ही रहे हैं कि मुझे नहीं आता है तो मैं मान ही लेता हूँ ना कि मुझे नहीं आता है, तो पहले तो वो बोलता नहीं, लेकिन फिर थोड़े टाइम में जब और उसको बोलने लग जाते हैं तो फिर लास्ट में क्या होता है, वो लास्ट में बोलता है हाँ मुझे नहीं आता है, हाँ नहीं आता है नहीं आता नहीं आता मुझे नहीं करूँगा मैं नहीं पढ़ूंगा मैं, हो जाता है ना ऐसा। हम कल्लू को कालिया बना देते हैं, कल्लू को कालिया बना देते हैं, कल्लू कालिया बनाने वाले टीचर ही हैं क्या सर, ये टीचर के चेहरे दिखाओ कि कल्लू को कालिया बनाने वाले कौन है, कल्लू को कालिया बनाने वाले टीचर हैं, है उसको बार 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 ये एहसास दिलाना कि जो है आप जो है नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तो वो बच्चा मान लेता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा मैं काबिल नहीं हूँ, और फिर वो उसी अकॉर्डिंग जो है वो पैसा आता है, राइट है, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है, हमारे खुद के लिए भी आशावादी रहना है और बच्चे के लिए भी आशावादी रहना ही है। ठीक, तो बस है ना, तो आज हमने ई से लेकर स्टार्ट किया और हम कहाँ तक पहुँचे, ओ तक, आगे की कहानी हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि ई फॉर व्हाट, आगे मैं पूरी एबीसीडी आपसे पूछ रहा हूँ, जो सही बताए तो ठीक, नहीं तो वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से शुरुआत से शुरू पूछूंगा, आप लोगों को बोलना भी है, आप नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊंगा इसी। चलो लेट्स रिवाइज, ए फॉर ए फॉर ओके एक मिनट अपीरियंस, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर ओके जी फॉर आगे एफ फॉर एच फॉर हम्बल सॉरी हाँ आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन जॉयफुल, फिर के फॉर ओके एल फॉर
एन फॉर नट्स क्या है? न्यूट्रल. और ओ फॉर ठीक. बाकी चीज हम कल कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अलविदा. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. नमस्कार. बाय बाय.